ये बात है कुछ सालों पहले की। एक पंडित रोजाना की तरह मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं। वो मंदिर की साफ सफाई करते हैं और मंदिर में स्थापित मूर्ति की पूजा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वे जैसे ही दीपक जलाने की कोशिश करते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में उन्होंने ना कभी पहले सुना था और ना ही कभी ऐसा होते पहले कभी देखा था। दोस्तों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि इस घटना से वे इतना डर गए कि उन्होंने इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन फिर बाद में करीबन 2 महीने बाद जब उन्होंने मंदिर में घटने वाली इस अजीबोगरीब घटना के बारे में सभी को बताया तो उस इलाके के सभी लोगों के होश उड़ गए और ये बात धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गई। और आज ये मंदिर पूरे भारत के लोगों के लिए और वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य का विषय है। आखिर उस पुजारी ने इस मंदिर में क्या देखा? आखिर इस मंदिर में ऐसा क्या था जिसे जानने के बाद सभी लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली? इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से और एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अद्भुत टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले कालों के काल महाकाल के लिए सच्चे दिल से एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के शाजापुर जिले में एक बहुत ही अद्भुत और रहस्यों से भरा एक मंदिर है। ये मंदिर पूरे भारत के लोगों के लिए एक आश्चर्य का विषय है। यहाँ स्थापित जो मूर्ति है उसके सामने एक ऐसा चमत्कार होता है जिसे देखने के बाद लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे होता है। ये मंदिर काली सिंध नदी के पास मौजूद है। इस नदी से इस मंदिर का बहुत ही खास नाता है जो इस पूरे मंदिर के आकर्षण का केंद्र है। इस मंदिर के पुजारी के अनुसार वे रोजाना की तरह इस मंदिर में दीपक जलाने के लिए तेल डालते हैं और उसे जोत जलाते हैं। जोत जलाने के बाद वो अपना सारा काम करके अपने घर चले जाते हैं। रात के वक्त उस पुजारी के सपने में इस मंदिर में स्थापित माता ने दर्शन दिए और कहा कि अब से आप इस मंदिर का दीपक तेल और घी से नहीं बल्कि पानी से जलाएंगे। ये सपना देखकर उस पुजारी की नींद अचानक से टूट जाती है। उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर माता ने पानी से जोत जलाने की बात क्यों कही। वो मन में दुविधा लेकर दूसरे दिन मंदिर की तरफ जाते हैं और पास के काली सिंध नदी से पानी लेकर मंदिर में स्थापित दीपक के पास पहुंचते हैं। वो दीपक में पानी डालते हैं और आग जलाते हैं। जैसे ही वो दीपक में आग लगाते हैं वो दीपक ऐसे जल उठता है कि मानो वो पानी नहीं बल्कि तेल या घी हो। ये नज़ारा देखते ही वो पंडित बहुत ही डर जाते हैं और ये बात करीबन 2 महीने तक किसी को नहीं बताते। थोड़ा समय बीत जाने के बाद आखिरकार पुजारी ने गाँव वालों के सामने इस बात को रखा। गाँव वालों को पुजारी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। पुजारी ने फिर पानी में रुई डालकर दीपक को जलाया तो दीपक जल उठा। अपनी आंखों के सामने पानी से दीपक को जलता हुआ देखकर गांव वाले भी सदमे में आ गए। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। इसके बाद जब आसपास के गांव वालों को इसके बारे में जानकारी शुरू हुई तो यहां पर्यटक भारी संख्या में इस चमत्कार को देखने के लिए इकट्ठा होने लगे। इस चमत्कारी मंदिर के बारे में बताया जाता है कि पानी से दीपक यहाँ बरसात के मौसम में नहीं जलता। इस मौसम में काली सिंध नदी का जल स्तर बहुत बढ़ जाता है और इसकी वजह से मंदिर में पूजा कर पाना मुमकिन नहीं होता। मंदिर में फिर शारदीय नवरात्रि के पहले दिन से पानी से दीपक को जलाया जाता है और फिर इसके बाद अगले वर्ष तक ये जलता ही रहता है। बताया जाता है कि जब दीपक में पानी डाला जाता है और इसे जलाया जाता है तो ये पानी एक तरह से चिपचिपे पदार्थ में बदल जाता है और इसके बाद दीपक लगातार जलता ही रहता है। इस अनोखे चमत्कार को देखने के लिए देश और दुनिया भर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन पानी से जलने वाले इस दीपक का रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। दोस्तों, अब यह सवाल उठता है कि आखिर ये दीपक पानी से कैसे जलता है? क्या इस नदी के पानी में कुछ ऐसा मिला हुआ है जिससे ये दीपक जलता है या ये माता का चमत्कार है? अपने सभी जवाब हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। जल्दी मिलता हूं आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।